नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज का अपडेट है डीएलएड की रिगार्डिंग उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने 2019 में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन किया हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि 2019-20 सेशन के लिए 4 दिसंबर 2020 को डीएलएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग देखिए 5 अप्रैल 2021 से 27 जुलाई 2021 तक राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून में आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य स्तरीय काउंसलिंग के बाद जनपदों का आवंटन किया गया है। अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद में द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण में प्रवेश संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो जरूर देखें। तो जैसा आप सभी जानते ही हैं कि डीएलएड का जो कोर्स है 2 साल का आपका होगा। 2019-20 का ये सेशन है, जिसमें देखिए प्रवेश प्रक्रिया जो है आपकी 15 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक सभी जनपदों के जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे डाइट बोला जाता है, उसमें संपादित की जाएंगी। इसके बाद दिया गया है अभ्यर्थी आवंटित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में प्रवेश हेतु उक्त तिथि में अनिवार्यतः उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। उक्त तिथि के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, आपको 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में यहाँ पे प्रवेश ले लेना है। अगर आप इसके बाद जाएंगे तो आपको इसमें प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए, आपको दिया गया है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाने हैं। तो देखिए, शैक्षिक अर्हता एवं अन्य से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र, मूल प्रति तथा 2-2 छाया प्रतियां स्वहस्ताक्षरित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की विज्ञप्ति में उल्लेखित शैक्षिक अर्हता एवं अन्य से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करने होंगे, जिनका विवरण आपको यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। इसी तरीके से देखिए, आपका ग्रेजुएशन में अगर आपने ईयरली ग्रेजुएशन किया है तो आप 3 मार्कशीट लेके जाएंगे, और अगर आपका सेमेस्टर के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन है तो आप टोटल 6 मार्कशीट लेके जाएंगे। और देखिए, स्नातक परीक्षा का आपको प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। इसके बाद देखिए, SC ST OBC EWS के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। इसके बाद देखिए, दिया गया है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर अगर आप हैं, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है, या एक्स सर्विसमैन है, इसके संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र भी आपको साथ में लेके जाना होगा। इसके बाद देखिए, आपको दिया गया है स्थायी निवास अथवा मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, नियोक्ता द्वारा जारी अभिभावक या स्वयं का सेवा कार्यरत होने का प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न इसमें करना होगा। इसके बाद देखिए, डीएलएड प्रवेश परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, तो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड अथवा अन्य कोई फोटो युक्त वैध आईडी आपको साथ लेके जानी है, और देखिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जानी होंगी अपने साथ में। इसके बाद देखिए, दिया गया है अभ्यर्थी प्रवेश के समय CMO CMS द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा अंतिम संस्था से प्राप्त किया गया चरित्र प्रमाण पत्र व अन्य 2 राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने न हो प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है आपको CMO या फिर CMS यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर या फिर चीफ मेडिकल सर्जन द्वारा क्या करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। साथ ही देखिए, जिस भी संस्था से आपने अपनी अंतिम एजुकेशन ली है वहां से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। इसके साथ ही 2 गैजेटेड ऑफिसर से भी आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए, प्रवेश के समय अभ्यर्थी प्रथम वर्ष का शुल्क 35,000 का डिमांड ड्राफ्ट प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद से जमा करेंगे। तो देखिए, आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, जिस भी जनपद के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, जहां पर भी आपको सीट अलॉट हुई है, उस जनपद के के नाम का आपको क्या बनाना होगा, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। और देखिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जिन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु जनपद चंपावत आवंटित किया गया है, वे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पिथौरागढ़ में प्रवेश हेतु उपस्थित होंगे। तो चंपावत जनपद जिनको अलॉट किया गया है, उनको पिथौरागढ़ प्रवेश हेतु उपस्थित होना होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सीटों का अलॉटमेंट करा गया है इसमें, तो आप अपना नेम इसमें चेक कर सकते हैं। टोटल 30 पेज की ये PDF है, इसका लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से अपना नेम चेक कर सकते हैं। देखिए, जैसे इसमें दिया गया है, कैंडिडेट का रोल नंबर दिया गया है, उसके बाद नेम, फादर नेम और कैटेगरी, और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में सीट अलॉट हुई है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स, आप सभी के लिए वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि डीएलएड से जुड़े हुए सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।